हेलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज़ बॉटम ऑफ अ ग्लास बीकर इज मेड अप ऑफ अ थिन इक्वाई कॉन्वेक्स लेंस इसका जो बॉटम है ठीक है ना एक कॉन्वेक्स लेंस से बना हैविंग बॉटम साइड सिल्वर पॉलिश्ड एज शोन इन द फिगर वाटर इज फिल्ड इन अ बीकर अप टू अ हाइट एच इज इक्वल टू 4 मीटर ये 4 मीटर तक क्या है हमारा

अब अगर बात करें कंसिडरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट सर्फेस पहले सर्फेस से क्या करते हैं अपन रिफ्रैक्शन मान के चलते हैं तो अगर मैं इसका फॉर्मूला रखूंगा क्या रखूंगा मैं लेंस इक्वेशन रखता हूं सो आई विल बी गेटिंग थ्री बाय टू अपॉन वी माइनस ऑफ फोर अपॉन थ्री अपॉन ऑफ माइनस फोर ठीक है ना यू की वैल्यू कितनी थी अपनी माइनस फोर इज इक्वल टू थ्री बाय टू माइनस फोर बाय थ्री अपॉन आर क्योंकि अपना क्या है फोकल लेंथ है ठीक है नाउ दिस इमेज एट वी एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द नेक्स्ट रिफ्रैक्शन अगले रिफ्रैक्शन के लिए हमारा जो इमेज वी पे रहेगा वो किसका काम करेगा इट विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट इसका मतलब क्या होगा ये तो पहले क्वेश्चन आ गई ठीक है इसका मतलब क्या होगा 1 v1 3 2 v हो जाएगा 1 3 2 r हो जाएगा ठीक है ना

तो वी इज इकल टू माइनस आर हो गया तो यहां से आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी R एंड V में और सेकेंड इक्वेशन ये है बाय सॉल्विंग टू इक्वेशंस ओके ना दिस टू इक्वेशंस दिस आर इन टू वेरिएबल्स यू विल बी गेटिंग R इज इकल टू फाइव सेंटीमीटर वॉट यू विल बी गेटिंग R इज इकल टू सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट बेस्ट ऑफ लक